हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास एट्स मैथ्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 है ये। इसकी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 170। फाइंड एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो फर्स्ट हमें पैरेललोग्राम दे रखी है, इसका हमें बेस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस है 14 और हाइट है 7, तो 14 इंटू 7 ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है क्योंकि यहाँ पे बेस भी सेंटीमीटर है और हाइट भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में होते दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड, हमें एक सेमी सर्कल दे रखा है, यहाँ पर डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? सेमी सर्कल दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा पाई आर। हमने यहाँ पे कंप्लीट सर्कल का निकाला है, अब हम निकालेंगे सेमी सर्कल का। अगर हम चाहें तो 154 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट सेमी सर्कल का फार्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 22 पाई आर स्क्वायर बाय 2, 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी। आर इंटू आर, 7 इंटू 7 बाय 2। 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, 2 से यहाँ 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 इंटू 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर एक ट्राइंगल दी हुई है और यहाँ पे साइड्स भी दे रखे हैं इसकी तीनों, और हाइट भी दे रखी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 14 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 14 यहाँ पे 2 बी टेबल में कट जाएगा, 2 7 जा 14, 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ फिगर हमें दे रखी है एक रेक्टेंगल। लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 7 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। साइड है 7 इंटू 7, इसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनका एरिया हो जाएगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इसका एरिया हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों का होगा 49 सेंटीमीटर, और सेमी सर्कल दे रखा है इसका होगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट पैरामीटर ऑफ ईच शेप। हमें 5 शेप्स दे रखे हैं जिनका हमने एरिया निकाला था, अब हमें इनका पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर होता है जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, और एरिया होता है जो अंदर वाला पोर्शन। अब हमें निकालना है पैरीमीटर ऑफ ईच शेप। तो ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। तो दो साइड्स तो यहाँ पे 14 की हैं और दो साइड यहाँ पे 7 की हैं। 14 इंटू 2 28, 2 इंटू 7 14, तो ये जगह 42 सेंटीमीटर। सेकेंड के अंदर क्या है, ये एक सेमी सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता और उसकी हम सर्कमफ्रेंस निकालते तो होता 2 पाई आर।
सेमी सर्कल की हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे तो ये 2 पाई आर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा पाई आर 22/7 × 7, तो ये हो जाएगा 22। ये तो हो गया 22, और अब हमने ये भी ऐड करना है क्योंकि हमें कंप्लीट फिगर का निकालना है, तो 14 और ऐड कर देंगे इसके अंदर, 36 सेंटीमीटर। थर्ड, ये एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, स्केलिन ट्राइंगल है ये, 9, 11 और 14। तो हमें तीनों साइड्स का सम करना है, 9 + 11 + 14, ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। फोर्थ में एक रेक्टेंगल दे रखी है, इसकी लेंथ 14 है और ब्रेड्थ है 7। तो फॉर्मूला लिखेंगे, 2 (brackets start) लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वैल्यूज पुट कर देंगे लेंथ और ब्रेड्थ की, ये हो जाएगा 2 × 21 = 42 सेंटीमीटर। फिफ्थ है एक स्केयर, स्केयर में क्या चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फार्मूला होगा 4 × साइड कितनी है 7, 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।